हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, आज के सेशन में 25 एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। सभी क्वेश्चंस आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। जैसा कि दोस्तों, बीच में मैंने वीडियो एक हफ्ता तक नहीं बना पाई, कुछ विशेष कारणों की वजह से मैं घर पर चली गई थी, बट बिजी भी थी, तो फिर से आ गई हूँ। यहाँ पे भी बीच में गैप हो सकता है, मैं आपको बताती रहूँगी, और तब तक मैं डेली बेसिस पे आपको वीडियो प्रोवाइड करा रही हूँ। फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे चैनल पे सभी प्रकार के वीडियोज अवेलेबल हैं। दोस्तों, प्लेलिस्ट में जाइए, थ्योरी सेशन, एमसीक्यू प्रैक्टिस, सभी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो दोस्तों, 2024 के प्रैक्टिस सेट में 90वां प्रैक्टिस सेट है। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, कसरतों की अपर्याप्त मात्रा इनकी ओर इंगित करती है। तो यहाँ पे आप चार ऑप्शन दिया हुआ है। काइनेटिक तो आपका हो जाता है जिसमें बल विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, बल का अध्ययन। एनएरोबिक्स वो होता है जिसमें ऑक्सीजन के बिना कार्य किया जाता है। एंड दोस्तों, जैसे कि तीन चीजें आपको बताएगी, हाइपरट्रॉफी और ट्रॉफी यानी डिस्ट्रॉफी और हाइपोकाइनेटिक। हाइपरट्रॉफी क्या होता है? जब नियमित व्यायाम करने से मांसपेशियों में वृद्धि होती है तो उसमें शक्ति ज़्यादा होती है, लचीलापन बढ़ता है, तो उसे हम हाइपरट्रॉफी कहते हैं। और ट्रॉफी या डिस्ट्रॉफी किसे कहते हैं? जब मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, छोटी हो जाती हैं, शक्ति में भी कम हो जाती हैं, एक प्रकार का अनुवांशिक भी होती हैं, ठीक है, तो इसे और ट्रॉफी या डिस्ट्रॉफी कहा जाता है। एक क्वेश्चन जरूर आता है। और हाइपोकाइनेटिक क्या होता है? मांसपेशियों का अपेक्षा से ज़्यादा आकार बढ़ना और स्थिर भी रहता है, यानी कि कसरतों की अपर्याप्त करने से ऐसा होता है, तो इसे हम कहते हैं। जिसमें कमी की मात्रा बोले हमेशा हाइपो होता है, ज़्यादा की मात्रा हमेशा हाइपर होता है। तो कम की मात्रा हमेशा बोले तो हाइपो चीज़ जहाँ देखिए यहाँ लगा दीजिए, ज़्यादा की मात्रा जहाँ कहे वहाँ हाइपर, यहाँ पर हो जाएगा हाइपोकाइनेटिक। नेक्स्ट है, प्लेटो को जनक के रूप में माना जाता है। तो दोस्तों, प्लेटो जो है आदर्शवाद यानी आइडियोलिज्म के जनक हैं, एंड यथार्थवाद रियलिज्म के जनक हैं अरस्तु, एंड प्रकृतिवाद के जनक हैं रूसो। वास्तविकतावाद यानी कि प्राग्मेटिज्म या एक्सपेरिमेंटिज्म या व्यवहारवाद का जनक हैं जॉन डेवी। नेक्स्ट दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की प्रथम सभा कहाँ हुई थी? तो दोस्तों, प्रथम सभा आप सबको पता है कि 23 जून 1894 में पेरिस के सरबोन नामक स्थान पर प्रथम सभा हुआ था बैरन पियर डी कुबर्डिन के द्वारा, और जिसके तहत 1896 में एथेंस में प्रथम आधुनिक ओलंपिक संपन्न किया गया। इस प्रकार पेरिस कहाँ है दोस्तों? फ्रांस में है, तो यहाँ भी फ्रांस आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, स्किनर ने प्रस्तुत किया। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि ट्रायल एयर थ्योरी थॉर्नडाइक ने दिया है, ठीक है, और क्रिया प्रसूत सिद्धांत स्किनर ने दिया है, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा सीखने का ऑपरेंट अनुकूलन सिद्धांत, ठीक है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे सीखने का ऑपरेंट अनुकूलन सिद्धांत नहीं होगा, एक सेकेंड, यहाँ पे पूरा दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सीखने का आपका, यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा सीखने का ऑपरेंट अनुकूलन सिद्धांत ही होगा, ठीक है। इन्होंने अभिप्रेरणा को मेन माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह गतिशीलता शब्द से क्या तात्पर्य है? तो समूह में गतिशीलता कब आएगी? जब उसमें ऊर्जा होगी, शक्ति होगी, तो उस समूह की ऊर्जा और शक्ति से तात्पर्य गतिशीलता, समूह की गतिशीलता से लगाया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि पारस्परिक तंत्रिका भरण यानी रेसिप्रोकल इनर्वेशन को कहा जाता है। तो दोस्तों, रेसिप्रोकल इनर्वेशन में क्या होता है? जब एगोनिस्ट मांसपेशी स्थिर हो और एंटागोनिस्ट मांसपेशी शिथिल यानी विस्तार हो, उस कंडीशन में उसको कहा जाता है रेसिप्रोकल इनर्वेशन। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखना पड़ेगा। यहाँ पे एगोनिस्ट हमेशा स्थिर रहेगा और एंटागोनिस्ट शिथिल रहेगा, तो यानी कि स्थिर जिसमें होगा वो संकुचन करेगा, यानी एगोनिस्ट जो है वो संकुचन करेगा यानी स्थिर रहेगा, और जो एंटागोनिस्ट होगा वो
रिलैक्स यानी विस्तार करेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क, ठीक है। और एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट क्या होता है, मैंने आपको अच्छे से बताया हुआ है, जो मांसपेशी मसल्स को कंट्रैक्ट करने में मेन भूमिका अदा करती है उसको एगोनिस्ट कहा जाता है, और जो उसके विपरीत भूमिका अदा करती है उसको एंटागोनिस्ट कहा जाता है। जैसे आप बाजू को फ्लेक्शन करते हैं, मोड़ते हैं, तो उस मोड़ने में मेन भूमिका अदा कर रहा है एगोनिस्ट। तो यहाँ पे एगोनिस्ट हो जाएगा बाइसेप्स मसल्स, और उसके विपरीत भूमिका अदा कर रहा है ट्राइसेप्स मसल्स, तो वहाँ पे ट्राइसेप्स मसल्स एंटागोनिस्ट का काम करेगा। नेक्स्ट है, मांसपेशियों की बायोप्सी टेक्निक में इनमें से क्या निश्चित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, मांसपेशी फाइबर जो होती है, मसल्स फाइबर, मसल्स के तंतुओं को प्रकार को निश्चित करने के लिए मांस बायोप्सी टेक्निक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, एटीपी मांसपेशियों के संकुचन में उपयोग होती है। एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं ग्लूकोज बनता है, फिर जाकर के जो कोशिकीय श्वसन के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र के द्वारा जो ग्लूकोज होता है ऑक्सीजन की क्रिया करके एटीपी का निर्माण, ऊर्जा का निर्माण करता है। ये क्या होता है, इंस्टेंट एनर्जी सोर्स होता है, तत्कालिक ऊर्जा स्रोत, ठीक है। वही एटीपी जहाँ जहाँ हमको ऊर्जा की जरूरत होती है वहाँ वहाँ जाता है, जब हम कार्य करते हैं उस समय वो उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिजिकल एफिशिएंसी के अभाव में इनमें से कौन सा कारण है। तो दोस्तों, फिजिकल एफिशिएंसी, आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो उससे हमारे मांसपेशियों में ऐंठन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीडियल मेनिस्कस की चोटें इनमें से सामान्य होती हैं। तो एक फुटबॉल के खिलाड़ी में ज़्यादातर यह चोट लगती है, मीडियल मेनिस्कस की चोटें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कि कूनी संधि यानी एल्बो ज्वाइंट इन हड्डियों से बनी होती है। आपको पता है, अंगूठे की तरफ से रेडियस हड्डी जाती है, छोटी उंगली की तरफ से अल्ना हड्डी जाती है, ऊपर से जो बांह होता है उधर से ह्यूमरस हड्डी आती है। तीनों हड्डियां मिलती है तो कोहनी का निर्माण, एल्बो ज्वाइंट का निर्माण होता है। यहाँ पे अल्ना, रेडियस और ह्यूमरस आपका ऑप्शन नंबर ग राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखीय गति यानी लाइनर मोशन यानी एक सीधी रेखा में गति का कौन सा उदाहरण है। दोस्तों, तो यहाँ पे सीधी दौड़ जो है, सीधी रेखा में दौड़ लाइनर मोशन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्कूल में प्रवेश की देरी से इन पर बल दिया जाना चाहिए। तो इसमें बच्चों के आत्मविश्वास एंड एक समूह के सदस्य के रूप में व्यक्ति का विकास पर बल देना चाहिए। तो उपरोक्त दोनों आपका ऑप्शन नंबर ग, क, ख दोनों राइट होगा। नेक्स्ट है, विद्यालय के स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम में इनमें से कौन सा संबंधित नहीं है। तो दोस्तों, विद्यालय के स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम में हम बच्चों को स्वास्थ्य की शिक्षा दे सकते हैं, स्वास्थ्य विज्ञान पढ़ा सकते हैं, स्वास्थ्य रिकॉर्ड का रख रखाव कर सकते हैं, बट बीमारियों का इलाज तो हॉस्पिटल में होगा, क्लिनिक में होगा, ये इसमें से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों, माइक्रो साइकिल की अवधि इनमें से क्या है। तो आप सबको पता है दोस्तों, माइक्रो साइकिल जैसे कि ट्रेनिंग साइकिल तीन होता है, मैक्रो चक्र, मेजो चक्र एंड माइक्रो चक्र। मैक्रो चक्र जिसे ट्रेनिंग योजना भी कहते हैं, जिसका सबसे बड़ा ट्रेनिंग साइकिल होता है 3 से 12 माह या 1 साल का, एंड दूसरा होता है मेजो चक्र जो 3 से 6 सप्ताह यानी 1 से 1.5 माह का होता है, जिसे तैयारी काल या मासिक ट्रेनिंग चक्र या अवस्थान चक्र या मध्यम समय अवस्थान भी कहते हैं। और तीसरा होता है माइक्रो चक्र जो सबसे छोटा चक्र होता है, सूक्ष्म अवधि या साप्ताहिक योजना के नाम से जाना जाता है, जिसे 3 से 10 दिन या 1 सप्ताह का होता है। यहाँ पे माइक्रो साइकिल की अवधि क्या होगी, 3 से 10 दिन या सप्ताह में देगा तो 1 सप्ताह। नेक्स्ट दोस्तों, तेज अनुकूलन प्रक्रिया एडाप्टेशन प्रोसेस इनमें से किस में होती है। तो दोस्तों, जैसा कि एक नौसिखिया खिलाड़ी जाता है तो वो फटाफट उसमें अनुकूलन करने की सोचता है, सीखने की सोचता है, यहाँ पे नौसिखिया राइट आंसर हो सकता है। यहाँ पे
हाई परफॉर्मेंस निष्पादक तो खुद से पहले से सीखा हुआ है, और अनुभवी जो एक्सपीरियंस है वो तो खुद, तो यहाँ पे नौसिखिया ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दोस्तों, परीक्षण या पुनः परीक्षण यानी टेस्ट रीटेस्ट मेथड, इनमें से क्या निर्धारित करने के लिए होता है, तो आपको मैं परीक्षण मापन मूल्यांकन में आप जा करके देख लीजिए, जो आपका मैंने बताया हुआ है क्राइटेरिया फॉर गुड टेस्ट, जिसमें से आपका रिलेबिलिटी, वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी नाम्स अब स्टैंडर्ड आते हैं, जिसमें से रिलेबिलिटी यानी कि विश्वसनीयता ज्ञात करने के लिए 5 विधियाँ थी, टेस्ट रीटेस्ट मेथड, पैरल फॉर्म मेथड, इंटरनल कॉन्सिस्टेंसी मेथड, स्प्लिट हॉफ मेथड, कुडल रिचर्सन मेथड। तो यहाँ पे टेस्ट रीटेस्ट मेथड क्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है, विश्वसनीयता यानी कि रिलायबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वितरण के मानक विचलन स्टैंडर्ड डिविएशन करने के लिए संचित विधि का प्रयोग करते हुए इस प्रकार आकलन किया जा सकता है। तो इसको आकलन करने के लिए दोस्तों इसका सूत्र होगा ऑप्शन नंबर को सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोजर्स बल परीक्षण इनमें से किसमें निहित है, तो रोजर्स बल परीक्षण में आपका हेड ग्रिप टेस्ट, लेग स्ट्रेंथ टेस्ट, बैक स्ट्रेंथ टेस्ट, उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ग 1, 2, 3 तीनों सही है। नेक्स्ट है, हैवी टेनिस टेस्ट में शामिल है, तो हैवी टेनिस टेस्ट में फोरहैंड ड्राइव प्लेसमेंट एंड बैकहैंड ड्राइव प्लेसमेंट एंड सर्विस प्लेसमेंट शामिल है, यानी 1, 3 और 4 यानी ऑप्शन नंबर ग राइट होगा। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पे आपको मिलान करना है, तो यहाँ पे आप देखेंगे क्रॉस वेबर टेस्ट क्या मापता है दोस्तों, मिनिमम मस्कुलर स्ट्रेंथ मापता है, तो यहाँ पे मांसपेशीय ताकत हो जाएगा, तो 1 of 4 हो जाएगा, 1 of 4 हो जाएगा। एंड JCR टेस्ट जिसमें जंप, वर्टिकल जंप, चिन अप्स एंड शटल रन होता है, तो ये आपका गामक क्षमता यानी कि एजिलिटी मापेगा, ठीक है, तो गामक क्षमता यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा B3। एंड टोटल पल्स रेटियो टेस्ट एंड हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, ये सब कार्डियो वेस्कुलर एंड्योरेंस को मापता है, तो यहाँ पे C2 हो जाएगा। एंड मिलर वॉल वॉली टेस्ट बैडमिंटन स्किल टेस्ट रिलेटेड है, तो D1 हो जाएगा। इस प्रकार ये ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे भी एक दूसरे से मिलान करना है, तो वायुमंडल में गैसों की मात्रा किस में है वो आपको यहाँ पे देखना है। ऑक्सीजन वायुमंडल में पाया जाता है 21%, तो 1 का A ही हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.04% होता है, और वही जाता है हमारे सांस लेते समय, और वापस आता है 4.4%, जबकि ऑक्सीजन 21% जाता है, वापस 16% आता है। एंड नाइट्रोजन वायुमंडल में 78% या 79% पाया जाता है, तो C3 ही हो जाएगा। धूल के कण कुछ मात्रा में पाए जाते हैं। इस प्रकार सबका मिला हुआ है ऑप्शन नंबर को आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा कौशलों को विद्यालय में इस प्रकार पढ़ाया जा सकता है, तो दोस्तों यहाँ पे विद्यालय में पढ़ाने के लिए आपका प्राथमिक उपचार, दवा, नुस्खा, सुरक्षा शिक्षा, ये सब होना चाहिए, तो 1, 2, 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर को। नेक्स्ट है, बाइसिप्स मांसपेशी फोर आर्म में से जुड़ी होती है, एक क्या करती है दोस्तों, बाइसिप्स मांसपेशी क्या करती है, हमारी बाह को मोड़ने में काम आती है, हाथ को मोड़ने में, तो जो हम जो है जो मोड़ते हैं तो कौन सा लीवर कार्य करता है, यानी कि मोड़ रहे हैं तो फोर्स बीच में अप्लाई हो रहा है, जिसमें फोर्स बीच में अप्लाई होगा वो कौन सा लीवर होगा दोस्तों, फर्स्ट प्रकार के लीवर में एक्सिस बीच में, सेकेंड में रेसिस्टेंस यानी भार बीच में, और थर्ड प्रकार के लीवर में फोर्स बीच में। याद रखिएगा, जब हाथ फोर आर्म ऑफ एक्सटेंशन ऑफ फोर आर्म यानी कि
बाह को फैलाने की बात होगी, वहाँ पे आपका प्रथम प्रकार का लीवर होगा। जब बाह को मोड़ने की बात होगी, बाइसेप्स मसल्स का बात कर रहा है, यहाँ पे थर्ड प्रकार का आर्म फ्लेक्शन, थर्ड प्रकार का लीवर होगा। यहाँ पे तृतीय श्रेणी का उत्तोलक राइट आंसर होगा। यहाँ पे अगर ट्राइसेप्स मसल्स की बात करता तो एक्सटेंशन करने में काम आता, तो वहाँ पे प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होता, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी बी अ बी ई एस इनमें से किसके लिए है? तो दोस्तों यह ऑप्शन नंबर ख इसका राइट होगा, योजना कार्यक्रम बजट एवं मूल्यांकन व्यवस्था के लिए। तो दोस्तों ये था आज के सेशन में 25 एमसीक्यू क्वेश्चंस, 25 क्वेश्चंस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। आई होप कि आपको सभी अच्छे से समझ में आए होंगे। जो भी क्वेश्चन में डाउट होगा कमेंट में जरूर बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए जिससे और लोगों तक वीडियो पहुँच सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो प्रैक्टिस में, तब तक के लिए जय।